everyone welcome to my history class dear students we are going to continue chapter third of class 12 kinship caste and class so we will continue second topic part 3 2.3 rules of marriage so in previous videos we have completed till source 2 and now we will start from टू पॉइंट थ्री रूल्स ऑफ मैरिज तो किस तरह हमारे जो पुरानी सोसाइटीज़ थी अर्ली सोसाइटीज़ में किस तरह के रूल्स थे मैरिजिज़ के शादी के रिलेशन्स जो थे वो किन किन के बीच में होते थी फैमिलीज़ में किस तरह की शादियों के ट्रेंड थे लाइक like अभी अगर हम आज की बात करें तो कुछ फ़ैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें ब्लड ब्लड रिलेशन्स में भी शादी हो जाती हैं कुछ ऐसी अगर हम किसी रिलीजन की बात करें बेसिकली अगर हम मॉमडम्स की बात करें तो इस्लाम जो है उसमें फैमिलीज़ में ही उसमें ब्लड रिलेशन में भी मैरिज हो जाती हैं तो इस तरह और अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू में कज़न्स में शादियां नहीं होती हैं तो कौन कौन से सिस्टम थे फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ मैरिजिज मैरिजिज़ के टाइप्स क्या थे एंडोगमी एंडोगेमी रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट दिस कुड बी अन ग्रुप उसी यूनिट में लाइक like अभी जब जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना सेम ही अपने उसी रिलेटिव में ही शादी हो जाती थी कास्ट और अ ग्रुप लिविंग इन अ सेम लोकेलिटी या फिर वो जो उसी लोकेलिटी में उसी एरिया में रहते हों वो क्या होता है एंडोगेमी एक्जोगी रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट आउटसाइड अपने ब्लड रिलेशन से अपने फैमिली रिलेटिव से बाहर पोलीगनी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स पोलीगनी क्या होता है जिसमें एक ही एक मैन की कई सारी वाइफ्स होती हैं मोस्टली हमारे हिंदू धर्म में तो ये अलाउ नहीं है बट इस्लाम uh, में और कुछ अदर ऐसे हैं जिनमें मोर देन वन वाइफ अभी भी अलाउ है बट अगर हम अपनी अर्ली सोसाइटीज़ की बात करें तो उसमें हिंदू में भी ऐसे ही होता था हिंदू में अगर आपने पढ़ा होगा ना रामायण की बात करें तो राजा दशरथ जो थे उनकी तीन रानियाँ थी तो इस तरह हमने बहुत सारी ऐसी अपनी जो एपिक हैं हमारी जो अर्लियर जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें पढ़ा है कि एक में की बहुत सारी वाइफ होती थी पोलियड्री इज़ द प्रैक्टिस ऑफ़ वमेन हैविंग सेवरल हजबेंड्स सो ये जो है हमने सिर्फ महाभारत में भी पढ़ ही पढ़ा है द्रौपदी जिन्होंने पाँचों भाइयों से पाँचों पांडवों से शादी की थी तो वो क्या उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं पोलियड्री सो ये टाइप्स ऑफ मैरिज होती थी रूल्स क्या क्या थे वायल्ड सन्स वर इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पेट्रीलियस तो सबको पता है बेटों से ही पैट्रिलिनी पैतृक जो चल रही है लाइनियस जो वंशावली चल रही है वो किससे होती है बेटों से आ, बेटे का बेटा फिर उसकी प्रॉपर्टी को संभालेगा उसके सिंहासन को संभालेगा तो ये क्या होती है पेट्रिलिनीस डोटर्स वर व्यूड रादर डिफरेंटली विद इन दिस फ्रेमवर्क उनको अलग तरीके से आ, देखा जाता था उनकी एक अलग ही पहचान थी एक अलग ही वैल्यू होती थी दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ़ द हाउस होल्ड घर में जो भी जितने भी रिसोर्सेज थे उन पर उनका कोई ओनर नहीं थे वो ओन नहीं कर सकते थे उसकी ओनरशिप नहीं थी किसी भी फीमेल की एट द सेम टाइम मैरिंग दैम इन टू फैमिलीज आउटसाइड द किन वॉज कंसिडर डिजायरेबल मेनली जो किन से अपनी फैमिली अपने रिलेटिव से जो बाहर शादी होती थी वो क्या होती थी डिजायरेबल उनको ही सही माना जाता था दिस सिस्टम कॉल्ड एग्जोगी लिटरली मैरिंग आउटसाइड बाहर अपनी रिलेटिव से अपने रिलेशन से बाहर मीन दैट द लाइफ्स ऑफ यंग गर्ल्स एंड वेमेन बिलोंगिंग टू फैमिलीज दैट क्लेम्ड हाई स्टेटस वर ऑफन केयरफुली रेगुलेटेड टू एंश्योर दैट देवर मैरिड एट द राइट टाइम एंड टू द राइट पर्सन सो उनके उनको जो है वो जितनी भी फैमिली गर्ल्स और वेमेन होती थी उनकी स्टेटस को रेगुलेट करके मीन्स उनको बहुत ही केयर से बहुत संभाल के रखा जाता था उनकी बहुत केयर की जाती थी और सारा एक रूल्स थे किस टाइम पे प्रॉपर टाइम पे उनकी शादी होना प्रॉपर पर्सन के साथ उनकी शादी होती थी इतना ध्यान रखा जाता था केयर की जाती थी दिस गेव राइज टू द बिलीव दैट कन्यादान तो शादी के टाइम पे क्या होता था कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ़ अ डॉटर इन मैरिज वॉज़ एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर मीन्स बेटियों का की ध्यान रखना उनकी केयर करना उनकी शादी के लिए पर्टिकुलर जो परफेक्ट पर्सन है वो चूज़ करना और उसके बाद शादी के बाद उस पर्सन को अपनी बेटी को सौंपना ये पिता का दायित्व होता था फर्ज होता था उनकी ड्यूटी होती थी विद द एमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स चैप्टर टू में हमने पढ़ा था ना बहुत सारे टाउन्स एमर्ज होते हैं ट्रेडिंग वगैरह होती है सोशल लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी बिकॉज देखो ट्रेडिंग होती है मार्केट्स बनती हैं तो डेवलपमेंट जितनी होती है उतने ही दूर दूर से लोग एक दूसरे से मिलेंगे आ, क्लस्टर ऑफ ऑक्युपेशंस मार्केट के आसपास होंगे तो लोग दूर दूर से अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग एक ही जगह पे रहना स्टार्ट करेंगे पीपल फ्रॉम नीयर एंड फार मेट टू बाई एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स मिलते थे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एंड शेयर आइडियाज इन द अर्बन मिल्यू तो अपने आइडियाज जो थे वो आ, अर्बन एरियाज में अर्बन एटमोसफेयर में शेयर करते थे दिस मेंव लेड टू अ क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीफ एंड प्रैक्टिस तो बहुत सारे बिलीव्स और प्रैक्टिस में एक क्वेश्चनिंग आती है कि लोग कुछ लोग जो थे वो किसी डिफरेंट पैटर्न को डिफरेंट नॉर्म्स को फॉलो करते थे कुछ अलग अलग बट आपस में वो शेयर कर रहे थे फेस्ड विद दिस चैलेंज तो ये एक चैलेंज हो गया था कि लोग के अलग अलग प्रैक्टिस जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही थी तो ब्राह्मणाज रिस्पॉन्डेड बाई लेंग डाउन कोड्स ऑफ़ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल तो उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स जो है ना पर्टिकुलर जो भी सोशल बिहेवियर हैं उनके लिए वो डिटेल में रिटर्न एक रूल्स बना देंगे और वो सबको मानने होंगे

नोन एज द धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्र तो ये जो नॉम्स थी जो ब्राह्मणास ने जो पर्टिकुलरली सोसाइटी के लिए जो जनरेट की थी उनको कम्पाइल किया गया संस्कृत टेक्स्ट में जिनको क्या बोला गया किस नाम से जानते हैं धर्म शास्त्रार्ज एंड धर्म सूत्रार्ज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ सच वर्क द मनुस्मृति वॉज कम्पाइल्ड बिटवीन टू थाउज टू हंड्रेड बी सी ई टू हंड्रेड सीई के बीच में जो मनुस्मृति कंपाइल की गई है मेनली जो वर्क है वो इसी टाइम पीरियड में हुआ है धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र राज का व्राह्मणा ऑथर्स ऑफ दीज टेक्स्ट क्लेम्ड दैट देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैड यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड दैट वोट दे प्रस्क्राइब हैड टू बी ओबेड बाई एवरीबडी तो जो भी ब्राह्मण ऑथर जो राइटर थे वो क्लेम करते थे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी के साथ है भगवान का दिया है पूरे ब्रह्मांड की जो वैलिडिटी है हमारे इस टेक्स्ट में हम सब ब्रह्मांड को पूरा रिसर्च करके उसके बारे में जान के उसके अकॉर्डिंग रूल्स बना रहे हैं जो प्रकृति जो नियम होने चाहिए और सबको इसे ओबे करना चाहिए वो ये भी प्रिस्क्राइब करते थे कि सबको ओबे करना चाहिए इट इज़ लाइकली दैट रियल सोशल रिलेशन्स वर मोर कॉम्प्लिकेटेड तो ये भी था कि रियल में सोशल रिलेशन जो थे वो इतने सिंपल नहीं थे डिफरेंट थे कॉम्प्लिकेटेड थे बिसाइड्स गिवन द रीजनल डाइवर्सिटी विद इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन द इन्फ्लुंस ऑफ ब्राह्मणास वॉज बाई नो मीन्स ऑल प्रवेसिव तो कुछ रीजनल डायवर्सिटीज थी मीन्स नॉर्थ में कुछ और प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है साउथ में कुछ और तो रीजनल एरिया टू एरिया डाइवर् डिफ्रेंसेज थे एंड कुछ डिफ़िकल्टीज थी कम्युनिकेशन की यहाँ पर जो ब्राह्मणास के रूल थे वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे थे वो उन सबको वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे थे जिसकी वजह से ये नहीं है कि इसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड था वॉट इज इंटरेस्टिंग इज दैट द ब्रह्म सूत्र एंड धर्म सूत्राज एंड धर्मशास्त्र रिकोगनाइज एज मैनी एज एट फॉर्म्स ऑफ मैरिज तो वो एट फॉर्म्स शादी की टेन एट फॉर्म्स को वो कंसिडर करते हैं ऑफ दीज द फर्स्ट फोर वर कंसिडर्ड एज गुड उनमें से जो पहली चार थी उनको अच्छा मानते थे एंड रिमेनिंग वर कंटेम उनको बुरा समझते थे इट इज पॉसिबल दैट दीज वर प्रैक्टाइज बाय दोस हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉम्स तो जो ये लास्ट वाली फोर थी ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाले लोग जो हैं वो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते होंगे उनको बिलीव नहीं होगा ब्राह्मिकल नॉम्स में कम टू सोर्स थ्री एट फॉर्म्स ऑफ मैरिज अब ये एट फॉर्म्स ऑफ मैरिज थी कौन सी हेयर आर द फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स फॉर्म्स ऑफ मैरिज तो कुछ चार यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सिक्स के सो so, फर्स्ट में क्या था द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कोस्टली क्लॉथ एंड ऑनरिंग हर विदर्स प्रेजेंस ऑफ ज्वेल्स टू अ मैन लर्न इन द वे द होम द फादर हिम सेल्फ इन्वाइट्स तो गिफ्ट कन्यादान गिफ्ट ऑफ डोटर कन्यादान कन्यादान कैसे किया जाता था उनको अच्छे बहुत महंगे कपड़े ज्वेलरी सब आ, पहना के सजा संवरा के सजने और संवरने के बाद आ, किसको किसके रेस्पेक्ट में ऑनर में उनको गिफ्ट किया जाता था उस पर्सन को जिसे फादर खुद इन्वाइट करते थे मीन्स उनके दूल्हे को जो भी पर्सन जिससे शादी होती थी लड़की की कन्या का दान किसे किया जाता था जिसको आ, फादर जो है पिता जो हैं खुद चूज करते थे तो एक तो फॉर्म ये हो गई फोर्थ द गिफ्ट ऑफ़ अ डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज़ एड्रस्ट द कपल विद द टेक्स्ट तो यहाँ पे कन्यादान कैसे होता था कि वो दोनों को कुछ आ, उपदेश देते थे कुछ आदेश कुछ वर्ड्स बोलते थे मे बोथ ऑफ द यू परफॉर्म योर ड्यूटीज़ टुगेदर आप दोनों मिल के अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाओ एंड हैज़ शोन ऑनर टू द ब्राइड ग्रूम तो जो दूल्हा है वो उनके ओनर को उनके रेस्पेक्ट जो उनका आदर सम्मान है उसको दिखाओ फिफ्थ वेन द ब्राइड ग्रूम अब फिफ्थ वाली आ गई है जो लास्ट वाली फोर्थ थी जो अच्छी नहीं मानी जाती थी तो उनमें से फिफ्थ है ब्राइड ग्रूम रिसीव सर मैडन आफ्टर हैविंग गिवन एज मच वेल्थ एज ही कैन अफोर्ड टू द किन्ग्स मैन एंड टू द ब्राइड हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू हीज ओन वेल तो यहाँ पे दूल्हे को uh, कन्या तभी मिलती थी तभी शादी उसकी होती थी जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उस फैमिली को दें और लड़की को भी जिस लड़की से शादी करते थे जितने वो अफोर्ड कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा तब उनकी शादी होती थी अगर वो शादी करना चाहते हैं तो सिक्स्थ द वोलेंट्री यूनियन ऑफ अ मैडन ऑफ एंड हर लवर विथ स्प्रिंग्स फ्रॉम डिजायर तो ये कौन सी होती थी जिसमें लड़का और लड़की अपनी मर्जी से अपने आ, लवर से लड़की जो है अपने लवर से अपने प्रेमी से ही शादी कर लेती थी अपनी मर्जी से अपने पेरेंट्स की मर्जी से नहीं तो इन सबको बुरा माना जाता था जो लास्ट फोर थी नाउ द गोत्रा ऑफ वेमेन वेमेन का गोत्रा गोत्र जो है गोत्र सरनेम अब ये सरनेम का क्या रूल होता था सरनेम कहाँ से उसको इनहेरिट किया जाता था वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंट फ्रॉम सी थाउजेंड बी सी ई ऑन वर्ड्स वोज टू क्लासीफाई पीपल अस्पेशली ब्रह्मणास इन टर्म्स ऑफ गोत्र इस्पेशली तो ब्रह्मणाज जो थे उनको गोत्राज में क्लासीफाई किया जाता था डिफरेंट डिफरेंट उनके क्या बना दिए थे किन्न फोक भी कह सकते हैं या फिर लाइनियज बोल सकते हैं तो ये कैसे बनी थी लाइक like, जो इनके सबसे बड़े जो भी इनके एंसेस्टर्स थे उनके नाम से उनके नाम के बाद उनको एज अ गोत्र एज अ सरनेम यूज करने लगे थे लाइक वशिष्ठ वशिष्ठा के वंशज एंड अगर आ, आप बात करें द, बहुत सारे सरनेम हैं तो उनके लाइक गौतमी गौतम हो गए गौतम के जो थे वो गौतमी बन गए तो इस तरह जितने भी जो ब्राह्मणास थे उनके वंशज उनके नाम से ही उनके गोत्रा उनके सरनेम बन गए ईच गोत्रा वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक शेयर ठीक है ना जो वैदिक शेयर जो उनके जो भी प्रॉफिट कहते हैं ना जिसको प्रॉफिट जो उस आ, को पर्टिकुलर स्टार्ट करने वाले थे उस लाइनियस को उनके एंसेस्टर जो होते थे एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट्स ठीक है ना उनके जो डिसेंडेंट थे जो प्रॉफिट जो किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को जो री रिलीजियस प्रैक्टिस को जो फॉलो करते थे ब्राह्मणास जो वेदास वगैरह में इन्वॉल्व थे उनके और उनके डिसेंडेंट उनके जो भी डिसेंडेंट थे उनको उनके नाम से ही गोत्र दे दिया गया था टू रूल्स अबाउट गोत्रा वर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट अब गोत्रा के ना दो रूल थे क्या वेमेन वर एक्सपेक्टेड टू तो गिव अप देयर फादर्स गोत्रा एंड अडोप्ट देट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज तो वेमेन जो थी थी औरतें जो थीं उनको शादी के टाइम पर अपने फादर के गोत को छोड़ देना होता था उनके गोत्रा को वो छोड़ देती थी सरनेम को और अपने हसबैंड के सरनेम को अडोप्ट कर लेती थी लाइक अभी कुछ साल पहले ही ये चेंज हुआ है कि गर्ल्स जो हैं वो हस्बैंड का गोत्र जो है हस्बैंड का सरनेम एंड अपने फादर का सरनेम दोनों को ही यूज़ कर सकती हैं अपनी चॉइस से अदरवाइज़ हमारे हिंदू धर्म में पहले क्या होता था लड़कियां जो थी वेमेन जो थी उनको अपना सरनेम छोड़ना होता था अपने फादर वाला सरनेम छोड़ना होता था और हस्बैंड के सरनेम को अडॉप्ट करना होता था एंड मेम्बर्स ऑफ सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी एक ही गोत्र के एक ही सरनेम के जो मेम्बर थे वो आपस में मैरिज नहीं कर सकते थे स्टिल इन सम हिंदू फैमिलीज द सेम प्रैक्टिस इज गोइंग अभी भी सेम प्रैक्टिस ही फॉलो होती है वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वॉज कॉमनली फॉलोड इज टू कंसिडर द नेम्स ऑफ मैन एंड मेन तो इसे जानने के लिए कि क्या ये हर जगह सेम ही पैटर्न को फॉलो किया जाता था तो कुछ मैन और वेमेन के नेम्स को देखा उनको स्टडी किया विच वर समाइम्स डिराइव फ्रॉम गोत्रा नेम्स तो कुछ ऐसे थे जिनको गोत्रा नेम से डिराइव किया गया था दीज नेम्स आर अवेलेबल फॉर पावरफुल रूलिंग लाइनेज सच एज दतवानाज तो मेनली ये नेम्स जो थे वो कहाँ से लिए गए पावरफुल लाइन से लाइक सतवाना हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द डेकन तो कहाँ कहाँ पे वो रूल करते थे वेस्टर्न इंडिया और डेकन में कहाँ कब से कब तक सेकेंड सेंचुरी बी सी टू सेकेंड सेंचुरी सी ई सेवरल ऑफ देयर इंस्क्रिप्शन हैव बीन रिकवर्ड बहुत सारी इंस्क्रिप्शन उनकी रिकवर हुई विच अलाउ हिस्टोरियंस टू ट्रेस फैमिली टाइस इंक्लूडिंग मैरिज जिससे उनके फैमिली टाइज रिलेशंस जो थे वो एंड उनके मैरिजिज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं नेम ऑफ सतमा सतवाहाना किंग्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस तो इंस्क्रिप्शन से जो नेम मिले हैं दीज आर द नेम्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ सतवाहनास, सतवाना रूलर्स रिकवर्ड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस नोट द यूनिफॉर्म टाइटल राजा सबके लिए जितने भी सतवाना रूलर थे उनको एक ही टाइटल दिया जाता था राजा ऑल्सो नोट द फॉलोइंग वर्ड विच एंड्स विद द टर्म पुता लास्ट में जो है वो पुता पुता मीन्स सन अप्राकृत वर्ड मीनिंग सन द टर्म गोथ्री पुता मीन्स सन ऑफ गौतमी नेम्स लाइक गौतमी एंड वशिष्ठी आर फेमनाइन तो ये कैसे फेमनाइन वर्ड लग रहे हैं ना uh, किसी लेडीज़ की फॉर्म्स ऑफ गौतमा एंड वशिष्ठा तो जो वैदिक शेर थे गौतमा जिनके गोत्र गौतमा गौतम से गौतमा जो थे उनसे गौतमी तो फीमेल के लिए लग गया एंड मेल गौतमा एंड वशिष्ठा वशिष्ठ जो थे वशिष्ठी फीमेल के लिए वशिष्ठ गोत्र बन गया मेल के लिए राजा गौतमी पुता श्री सत्कणी तो ये सतवाना रूलर्स के नेम थे राजा वशिष्ठी पुता श्री पुलुमई राजा पुता समी श्री याना सत्कणी राजा माध्रीपुता स्वामी साकासेना राजा पुता चत्रपना सत्कणी राजा पुता वनुकदा चतुकुलंदमा सत्कमणी राजा गौतमीपुत्र सीरी विजा सतकनी तो ये सतवाना रूलर्स के नेम हैं सो तो ये सारे के सारे जो पेयर हैं प्लीज़ इनको रीड कर लीजिए बिकॉज यहाँ से आपके एम सी क्यू बनते हैं सो तो दिस इज स्कल्पचर यहाँ पे आप एक देख सकते हो इमेज इमेज का एक क्वेश्चन आपका आता है सो तो फिगर थ्री पॉइंट थ्री अ सतवाना रूलर एंड हिज वाइफ दस इज वन ऑफ द रेयर स्कल्पचर डिपिक्शन ऑफ अ रूलर फ्रॉम द वॉल ऑफ़ अ केव किसी एक केव से एक गुफा से लिया है ये डोनेटेड टू बुद्धिस्ट बुद्धि ये किसको डोनेट की गई थी केव बुद्धिस्ट मोंग को दिस स्कल्पचर डेट्स टू सेकेंड सेंचुरी बी सी तो ये जो स्कल्पचर है सेकेंड सेंचुरी बी सी ई की इस पर डेट रिटर्न है मेट्रोनिमिक्स मेट्रोनिमिक्स इन द उपनिषद्स तो जो तब से जो मेट आ, माता से माँ से जो नाम मिले हैं तो वो बहुत सारे ऐसे नाम उपनिषद्स में भी कंसीडर हुए हैं वहाँ से भी आ, रिकवर हुए हैं ब्रिदरा नायका उपनिषद वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद्स चैप्टर फोर में डिटेल में पढ़ेंगे हम उपनिषद्स के बारे में कंटेंस आ लिस्ट ऑफ सक्सेसिव

एन एग्जामिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ वेमेन वर हु मैरिड सतवाना रूलर इंडिकेट्स दैट मैनी ऑफ दैम हैड नेम्स डेराइव फ्रॉम गोत्रा सतीज गौतमा सचैज गौतमा एंड वशिष्ठा तो एक ही ये भी बिलीव किया गया है आइडिया लगाए गए हैं कि एक राजा की बहुत सारी रानियाँ होती थी तो उनको ना उनके फादर के गोत्रा से उनके नेम होते थे लाइक like, गौतमी जो थी वो गौतमा की गौतमा जिसका सरनेम था देयर फादर्स गोत्रा जिसका गोत्रा गौतम था वो गौतमी बोला गया है उनको गौतमी से डिनोट करने लगे दे एविडेंटली रिटेन्ड दीज नेम्स इंस्टेड ऑफ़ अडोप्टिंग नेम्स डिराइड फ्रॉम देर हस्बेंड गोत्रा नेम एज दे वर रिक्वायर्ड टू डू अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल रूल्स तो ये उन्होंने अपने फादर के गोत्रा को ही अडॉप्ट करके रखा अपने हस्बैंड के गोत्रा को अडॉप्ट नहीं किया जो ब्राह्मणिकल रूल्स थे ये मेनली इसलिए भी हो सकता है कि उनको क्लासिफाई करने के लिए कि ये गौतमी हैं ये वशिष्ठि हैं अलग अलग उनको डिनोट करने के लिए वट इज़ ऑल्सो अ पेरेंट इज दैट सम ऑफ दीज वेमेन बिलोंगड टू द सेम गोत्रा तो ये भी देखा गया है इनमें से कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिले हैं जो सेम गोत्रा से बिलोंग करती हैं

मैरिज विद इन द किन ग्रुप उसी फैमिली में अपने ही रिलेटिवस में शादी करना विच वॉज प्रिवलेंट अमंगस्ट सेवरल कम्युनिटीज़ इन साउथ इंडिया जो कहाँ पे ज़्यादा फेमस थी ज़्यादा उसको यूज़ करते थे साउथ इंडिया में सच मैरिज़ेज़ अमंगस्ट किन फॉक सच एज कज़न्स तो बहुत सारी मैरिज ऐसी भी थी जो अपने ही कुंबे में कजन्स की के बीच में होती थी एनशोर्ड अ क्लोज निट कम्युनिटी तो उनकी क्या होती थी ज़्यादा एक ही कम्युनिटी में रिलेशंस और ज़्यादा गहरे हो जाए वर मदर्स इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि क्या मदर्स अब हमने देखा कि फीमेल की गर्ल की जो सिचुएशन कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी उनको कोई भी प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे उनको जस्ट सब चीज़ों से दूर रखा जाता था जस्ट कन्यादान होता था और फिर आगे गुड सन के लिए ये भी हमने पढ़ा ना फाइन सेंस बस अपनी लाइनीज को अपनी वंशावली को बढ़ाने के लिए शादियाँ होती थी तो सतवाना जो रूलर है वहाँ से हमें क्या पता चला कि अपनी उनकी मदर बिकॉज उनके नेम जो है मदर के नेम से डिनोट किए जाते हैं तो वो मदर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे वी हैव सीन दैट सतवाना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स तो मिक्स तो उनके नेम्स जो थे हैं मेट्रोनिमिक्स क्या होते हैं मात्र नेम नेम डराइड फ्रॉम दैट ऑफ द मदर ऑल दो दिस मे सजेस्ट दैट मदर्स वर इम्पोर्टेंट वी नीड टू बी कोशियस बिफोर वी अराइव एट एनी कंक्लूजन इन द केस ऑफ द सतवानाज वी नो दैट सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज जनरली पेट्री पेट्रीलिनियल ही था सक्सेशन जो थी ना थ्रोन की वो पैट्रीलिनियल था पैट्रक ही था बस नेम्स जो हैं वो उनके मदरस के नेम से थे अब देखो ये क्यों होगा बिकॉज एक ही राजा की बहुत सारी रानियां थी तो जो गौतमी का जो बेटा था उसे गौतमी पुता उन्होंने डिनोट करना स्टार्ट कर दिया उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनकी नेम मदर के नेम से उनको डिनोट किया जाता था तो बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं हो सकता है कि जस्ट उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए ही ये नेम दिए गए हों या फिर दूसरा ये भी एस्पेक्ट हो सकता है कि उनके सतवानाज में फीमेल को मदर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी वन सोर्स इज लेफ्ट दैट इज मदर्स एडवाइस तो यहाँ पे महाभारता के बारे में ही है अ महाभारता डिस्क्राइब्स हाउ वेन वॉर बिटवीन द कौरवाज एंड द पांडवाज बिकेम ऑलमोस्ट इनएविटेबल तो ये कब की बात है जब कौरवा और पांडवों के बीच में वॉर युद्ध होना बिल्कुल तय था बिल्कुल फिक्स हो गया था ये जरूरी था कि होगा ही गांधारी मेड वन लास्ट अपील टू हर एल्डेस्ट सन दुर्योधना गांधारी गांधारी कौन थी धृत की वाइफ थी एंड दुर्योधन की कौरवों की आ, जो थी वो मदर थी तो सबसे बड़े बेटे को दुर्योधन को वो क्या अपील रिक्वेस्ट करती हैं बाय मेकिंग पीस योर ओनर यू ओनर योर फादर एंड मी अगर आप पीस शांति बनाओगे अपने पिता के ओनर के लिए और मेरे लिए एज वेल एज योर वेल विशर्स अपने वेल well विशर्स के लिए जो आपके अच्छा चाहते हैं आपके शुभ चिंतक हैं इट इज़ द वाइज मैन इन कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेज हु गार्ड्स हिज किंगडम बुद्धिमान कौन होता है जो अपने सेंसेज को अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके और अपने किंगडम को अपने राज्य को बचाए ग्रीड एंड एंगर ड्रैग अ मैन अवे फ्रॉम हिज प्रॉफिट्स लालच जो है इंसान को उनके फायदे से उनके प्रॉफिट से दूर कर देता है बाई डिफीटिंग दीज टू एनिमीज किंग कनकर द अर्थ दोनों एनिमीज को अपने लालच को और अपने गुस्से को दोनों दुश्मनों को अगर आपने डिफीट कर दिया तो आप दुनिया जीत सकते हो पूरे अर्थ को जीत सकते हो तो ये कौन कहती है गांधारी अपने बेटे दुर्योधन को यू विल हैप्पीली एंजॉय द अर्थ माई सन अलोंग विद द वाइज एंड हीरोइक पांडुवास तुम जो है अच्छे से अर्थ को इस लैंड को इस दुनिया को एंजॉय करोगे किसके साथ मिलके पांडवों के साथ मिलके वॉर मत करो उनके साथ मिलके रहो देर इज नो गुड इन वॉर नो लॉ एंड प्रॉफिट कुछ भी अच्छा नहीं है कुछ भी ना ये धर्म है ना ही इसमें कोई आपका प्रॉफिट है लेट अलोन हैप्पीनेस नोर इज देयर विक्ट्री इन डोंट सेट योर माइंड ऑन वॉर तो अपनी हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री से इस जीत से ही आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी अपना माइंड सेट ऐसे मत करो कि वॉर ही ज़रूरी है और मैं जीतूंगा तो ही खुश होऊंगा खुशी उनके साथ मिलके शांति से भी आपको मिलेगी आप पूरे अर्थ को पूरी दुनिया को जीत सकते हो तो ये गांधारी अपने बेटे दुर्योधन से अपील करती है रिक्वेस्ट करती है कि वॉर को छोड़ दो भूल जाओ लड़ो मत बिना लड़े साथ मिल के रहो उस पीस के साथ आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा दुर्योधना डिड नॉट लिसन टू तो दिस एडवाइस एंड फोर्ट एंड लॉस्ट द वॉर दुर्योधन नहीं माना दुर्योधन अगर मान जाता तो उनके साथ मिल के रहता पावर भी रहती मिल के राज्य को वो चलाते लेकिन वो उसने अपनी माँ की बात को नहीं माना एंड हार गया और सब कुछ खो दिया सो विद दिस आर सेकेंड टॉपिक कंप्लीटेड सी दिस इमेज ऑल्सो बैटल सीन तो यहाँ पे एक बैटल का ये वॉर का जो सीन यहाँ पे गिवन है अमंगस्ट कहाँ से लिया है महाभारता से तो महाभारत का ये एक बैटल का सीन है दिस इज अमंगस्ट द अर्लीस्ट स्कल्पचर डिपिक्शन ऑफ अ सीन फ्रॉम द महाभारत अ टेराकोटा स्कल्पचर फ्रॉम द वॉल्स ऑफ अ टेम्पल इन अच्छी छत्र तो ये सॉरी अही छत्र अही छत्र जो जगह है कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में वहाँ से ये टेराकोटा स्कल्पचर लिया गया है फिफ्थ सेंचुरी सी ई का जिसमें महाभारता की एक डिपिक्शन है so with this our second topic completed we will start next topic in next video thank you and have a nice day to all